वही कल रात में हम लोग बागपत के कदमे में इनको झांसी जेल से यहाँ लेके आए थे। रात में इनका बीपी बढ़ा हुआ था और सुबह ये वारदात हो गई कि सुनील लाठी नाम के एक व्यक्ति ने अंदर इनको 10 गोलियां मार दी और तो ये ऑन स्पॉट चल। साजिश है क्योंकि हमने अभी 10 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी प्रशासन और यहाँ के लोगों से अपनी जान का खतरा बताया था, उससे कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। वारदात में बताया गया कि सुनील लाठी से ये बातचीत कर रहे थे और बातचीत करते करते उसने अपना असलाह निकाला और इनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। आपकी नज़र में साजिश कौन रच रहा होगा, प्रशासन, सरकार या कोई माफिया? साजिश करताओं का नाम लेना अपनी हत्या कराने के बराबर है। जिस तरीके से मुन्ना बजरंगी जी के साले की हत्या हुई 2016 में, इनके एक शुभचिंतक की हत्या हुई 2017 में, अपराधियों के मंसूबे इतने सख्त हैं कि 2018 भी उनका खाली नहीं गया और उन्होंने ये वारदात को अंजाम दे दिया। उम्मीद है अगला नंबर हमारा भी हो सकता है। यहाँ का जो प्रशासन है उसने कहा कि मोबाइल जेल के बाहर ले जाइए, तो मैंने उनसे बताया कि आप असलाह जेल के अंदर पहुँचाइए और हम लोग मोबाइल बाहर ले जाएं और आप वारदात कराते रहिए अंदर। असला बताया जा रहा है कि अंदर की गटर में डाल दिया गया है। सब अंदर की मिली भगत है, उनको पहले से अंदेशा था, सब चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं कि ये हत्या कराने के लिए ही लगातार षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। पूरा प्रशासन, ये पूरा अमला हमारे और हमारे परिवार के पीछे हाथ धो के पड़ गया है। विरोधियों के मंसूबे बहुत मजबूत है। विरोधी कौन हो सकते हैं? सरकार से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं या माफिया हो सकते हैं? माफिया भी हैं, सरकार से जुड़े लोग भी हैं,